आइए भक्तों, जानते हैं वैसाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा पूजा विधि एवं महत्व के बारे में। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। वैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत वैसाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करें वैसाख संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा, धर्म केतु नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा, वैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन किस गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे माता, वैसाख कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्र तुंड नामक गणेश जी की पूजा करके भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था और उसके उत्तर में कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था। मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याण दात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ, मैं उसे ही कह रहा हूँ। प्राचीन काल में एक रंती देव नामक प्रतापी राजा हुए, जिस प्रकार आग तृण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वह अपने शत्रुओं के विनाशक थे। उनकी मित्रता याम, कुबेर, इंद्र आदि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्म केतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके दो स्त्रियां थी, एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलत उसने अपने शरीर को दुर्लभ बना डाला था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत उपवास आदि ना करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या हुई और उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर चंचला बारंबार सुशीला को ताना देने लगी कि अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को ही जन्म दिया। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्कर में ना पड़कर हृष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। अपनी सौत का व्यंग बाण सुशीला के हृदय में चुभने लगा। वह पतिव्रता विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी। जब सुशीला के भक्ति भाव से संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक गणेश जी ने उसे दर्शन दिया। श्री गणेश जी ने कहा कि हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यंत संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी उत्पन्न होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुंह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक
पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर धर्म केतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के अनंतर चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। उस कन्या के मुंह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्र हो गया। इस कारण चंचला उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्गिन हो उठा। वह सोचने लगी कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकते हैं। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वह अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकट नाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सौत चंचला का हृदय परिवर्तन हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृतांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न विनाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां आपके सामने करबद्ध होकर खड़ी रहेंगी। हे धर्म पारायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों धर्म पत्नी और माता के सहित इस व्रत को कीजिए। इससे थोड़े समय में ही आपने अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। तो आइए जानते हैं वैशाख मास गणेश चतुर्थी व्रत की पूजन विधि के बारे में। वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश जी के वक्र तुंड स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रत्येकाल उठकर स्नान कर गणेश जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन इस व्रत का संकल्प कर इस प्रकार कहें कि हे वक्र तुंड गणेश जी, मैं चतुर्थी व्रत को करने का संकल्प करता हूँ। आज मैं पूरे दिन निराह रहकर आपके स्वरूप का ध्यान करूंगा एवं शाम को आपका पूजन कर चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करूंगा। संकल्प के बाद पूरे दिन गणेश जी के ध्यान में व्यतीत करें। शाम को स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर विधि पूर्वक धूप दीप अक्षत चंदन सिंदूर नैवेद्य से गणेश जी का पूजन करें। पूजन के बाद चंद्रमा निकलने पर पूजन कर अर्घ्य अर्पित करें। वैशाख चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनाएं। पूजन के बाद कमल गट्टे के हलवे का भोजन करना चाहिए। तो इसी के साथ सभी भक्त प्रेम से बोलें, ओम गणपते नमः।